हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 6, जो मैंने 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, और हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है। ओके, और पार्ट 5 तक की जो वीडियोज़ हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और नेट कॉमर्स के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस चल रही हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओके, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 6। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको थियोरीज दी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। ओके, ये आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की थियोरीज हैं। कौन सी थियोरी किसने दी है और कौन सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपका पीजीटी कॉमर्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और लिस्ट 2 में वो हैं जिन्होंने ये थियोरी प्रोवाइड की है, तो हम 1 by 1 करेंगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सी है? कंपैरेटिव कॉस्ट। तो ध्यान रखना है, ये थियोरी दी है डेविड रिकार्डो ने। अब आप इन्हें इनके अलग से ज़रूर नोट्स बनाने हैं अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो। सो बेसिकली जो कंपैरेटिव कॉस्ट थियोरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थियोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सी है? इंटरनेशनल ट्रेड थियोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दी है गॉटफ्राइड हबर्लर ने। ओके, उसके बाद है फैक्टर एंडोमेंट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फैक्टर एंडोमेंट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये दी है हेक्शर हॉलिन ने। एंड लास्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है थियोरी, और ये दी है JS Mill ने। ओके, अब आप लोगों को क्या आ सकता है क्वेश्चन में, या तो इंडिविजुअली आपसे पूछ लेंगे कि बताएं कि फैक्टर एंडोमेंट थियोरी किसने दी है, या फिर आपको मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, या नॉट की फॉर्म में, किसी भी टाइप में क्वेश्चन आए, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा? ए का किससे रिलेशन है? थर्ड से। बी का किससे रिलेशन है? फर्स्ट से। सी का है हमारा फोर्थ से, और डी का है सेकेंड से। सो सी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप। नॉर्मली यानी कि यहाँ जनरली बात हो रही है, एक्सेप्शंस तो चलो होती ही हैं हर थ्योरी या उसकी, हम पूछ रहे हैं नॉर्मली डिमांड कर्व। देखो, डिमांड कर्व जो आप यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं अपनी, ठीक है, यहाँ प्राइस दिखाते हैं। अब जो डिमांड कर्व है वो हमारा जनरली स्लोप करता है डाउनवर्ड, ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीज़न क्या है आपको पता है कि जैसे जैसे बाई चांस सपोज प्राइस पहले क्या था हमारा, दिस वन, ये वाला प्राइस था, तो हमने क्वांटिटी इतनी डिमांड करते थे हम, क्यों? जैसे ही प्राइस कम हुआ हमने क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है हमारा प्राइस ऑफ अ गुड, यानी कि उस गुड का खुद का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से जनरली हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोपिंग करता है, उसकी स्लोप होती है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है। तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये साथ के साथ नोट करने, अपने माइंड में इनको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा आंसर बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। देखो, जो बिजनेस है उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं,
towards its customers, इसके employees के लिए, general public के लिए, तो अलग अलग categories हैं. तो आपको यहाँ पे वो choose करनी है जो customers के लिए है. okay? तो देखिए, to ensure family welfare of customer. अब एक बात बताइए, customer का family welfare, ये तो personal चीज़ हो गई, ये business की responsibility नहीं है. उसके बाद to understand customer needs and to take the necessary measures to satisfy these needs. Yes, ये है कि हम अपने customer की needs को समझें और उसके लिए effort करें कि उस need को कैसे पूरा किया जाए. तो obvious है, second वाला आएगा, ठीक है. उसके बाद देखिए, टू इंश्योर हेल्थ कंडीशंस ऑफ द कस्टमर्स, ये बिल्कुल है कि. और उसके बाद देखिए, एक बार हम बाकी दोनों भी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं बेस्ट वन कौन सा बैठेगा. तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जिसमें आ रहा है वो तो कट हो जाएगा, यानी कि ए में आ रहा है वो भी कट, बी हो रहा है. एलिमिनेशन मैथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद देखिए, टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइज हैड नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द कस्टमर. बिल्कुल, देखो जो आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हार्मफुल हो या उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़े हमारे कस्टमर पे. तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर कस्टमर, ठीक है. उसके बाद है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड टू रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवियंसेस, यानी कि कस्टमर्स को कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायतें आती हैं, उनको आप सुनेंगे और उनका रिड्रेस करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो भी कमी है. तो बिल्कुल, तो देखिए आप ये देखिए जो थर्ड वाला है, टू इंश्योर हेल्थ कंडीशन, ये वाला भी उनसे रिलेटेड पर्सनल हो गया. अब हमने देखना है बेस्ट वन, तो कौन सा आएगा आपका, सेकेंड वाला, ओके, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला. तो हमारा बेस्ट वन ऑप्शन बनेगा दिस वन, ठीक है, ये वाला, सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ. आपको बताना है, देखो एम्प्लॉयज जो हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू निकालना किस किसका मेथड है, ठीक है. आपको ऑप्शन दिया एचआर अकाउंटिंग, बी है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, थर्ड है सोशल अकाउंटिंग एंड डी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. स्टैटिस्टिक्स से है और इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. जो कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन है, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, वो टू वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि सपोज एक्स और वाई के बीच में कैसे निकलता है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि उनके स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन. सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कॉफिशियंट. बिल्कुल यही होता है. देखो जो रिग्रेशन कॉफिशियंट होते हैं, जिसको हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्या है, रिग्रेशन कॉफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और ये क्या है, रिग्रेशन कॉफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स. अगर इनका क्या कर दे, प्रोडक्ट कर दिया इनका, मल्टीप्लाई कर दिया और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारे पास आर निकल आता है. अगर आपको ये दोनों दिए हैं तो आपका कॉरिलेशन कॉफिशियंट निकल आएगा, ठीक है. ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी. और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा रिग्रेशन कॉफिशियंट्स का साइन सेम होगा, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है. देखो या तो दोनों ये पॉजिटिव होंगे, यानी कि फिर आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा कॉरिलेशन कॉफिशियंट, या फिर ये दोनों ही नेगेटिव होंगे तो हमारा कोरिलेशन कॉफिशियंट भी नेगेटिव आएगा. ऐसा नहीं होगा कि एक प्लस होगा एक माइनस, ये चीज गलत है, ओके. ये दोनों के साइन हमेशा सेम होंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन, डगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज टू मेजर. देखो डगमार, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाली अप्रोच मार्केटिंग में क्या मेजर करने के लिए यूज की जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है, डी से डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स, ठीक है, फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें एड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, किस लिए, ताकि हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस रिजल्ट्स को मेजर कर सकें. ये एक अप्रोच है. अब आपको ये बताना है मुझे कि कौन से पर्सन ने दिया, क्योंकि आपको ये वाले डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं पीजीटी कॉमर्स में, तो आपको मुझे बताना है. तो ऑप्शन, हमारा आंसर तो ऑब्वियस है, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स ही आएगा इसमें. क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है और आपको यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं वन बाय वन.
सबसे पहले है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ब्रेक इवन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बोला है कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बताइए इसमें से क्या होगा। तो अब आप ये देखिए, द मिनिमम लेवल ऑफ EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ EBIT नीडेड टू सेटिस्फाई ऑल फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। हमारा जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस है उसका देखो मिनिमम लेवल, यहाँ पे वही बात हो रही है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, यहाँ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, तो एक ऐसा ही पॉइंट होता है जो हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए कि फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को हम क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो है क्या आने वाला है, डी का फर्स्ट। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में नोट करनी है, यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया। वैसे हमारी ये चीज़ें पहले दी होती है ना यहाँ ऊपर फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर ए बी सी डी पहले और ये वाले पॉइंट्स यहाँ, तो आपको ये गलत नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो डी वाला देखो, डी वाले का जो है क्या बन रहा है हमारा, फर्स्ट वाला। तो डी वाले का फर्स्ट किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, हम बाकी भी देखेंगे। उसके बाद देखिए ए क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ज़ीरो। तो ऐसा कौन सा है, वो होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न वो रेट ऑफ़ रिटर्न है जिस पे हमारा NPV क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। तो ए वाला किसके साथ मैच हो रहा है, हमारा थर्ड वाले के साथ, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम फॉर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये ऐसे है पॉइंट्स, ठीक है, ये इसके साथ है, रिलेट किया हुआ है, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स द सेम फॉर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये होता है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर की वन ऑफ द अप्रोच है, कि हमारा जो है यानी कि ये कहते हैं कि लिवरेज का जो आप जैसे डेट और इक्विटी का जो अलग अलग रेशियो रख रहे हैं, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहने वाला, ये इररिलेवेंस अप्रोच है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो बी वाला फोर्थ वाले के साथ मैच हो गया। उसके बाद एनालिसिस टू स्टडी द रिलेशनशिप अमंग फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, ये किस में किया जाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स के बीच में हम एनालिसिस करते हैं। तो ये इसके साथ मैच हो गया, तो डेफिनेटली हमारा आंसर फर्स्ट आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे इकट्ठे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बट आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।